अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। अच्छा जी, ये सोफ़े और इन सोफ़ों के हमने स्टिच करवाए हैं कवर। यहाँ पे रात मनाई थी बर्थडे और बड़ा कुछ फैल गया था और सफाई वगैरह हो चुकी है। और ये आए हैं सोफ़ों के कवर, ये ज़रा हम खोलने लगे। अब मेरे एक हाथ से नहीं ना खुल रहे। मैंने सेटिंग कर दी है इस तरह से, ये सारी चादर को यूँ अच्छे से समेट दिया और इस तरफ मैंने गिरा बांध दी और ऊपर से भी ये सारी चुनटें इस तरह से मैंने समेट के नीचे से गिरा लगा दी और इस तरफ भी इसी तरह से। नहीं, सोफ़ों के कवर जो है ना वो बिछ गए। अच्छा, पहले वो मैंने बर्थडे वगैरह जो है ना उस पर कवर चढ़ा दिए सोफ़ों पे और दोपहर का खाना जो है वो बन गया। बहू ने खाना बनाया बच्चों को, मैंने खाना लगा दिया और बहू नमाज पढ़ने चली गई है। उसके अलावा जो है ना मैं रोटियां बना रही हूँ, दो चार रोटियां बस ये लास्ट पे, बाकी तो वो बना गई थी। नमाज लेट हो रही थी, मैंने भी नमाज पढ़नी, पर मैंने कहा नहीं खाना लेट हो रहा है तो बच्चों को खाना देने के बाद अब जो है ना वो मैं ये रोटियां बना के नमाज पढ़ूंगी। बस दो चार रोटियां ही बननी है। आज का मौसम बड़ा अच्छा सुहाना सा, दो तीन दिनों से गर्मी थी लेकिन आज रात से ही जो है ना वो हवा चल रही थी बहुत तेज़ और बादल थे बहुत ज़्यादा। अब भी बादल हैं, बहुत स्याह बादल हैं, कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा आसमान नज़र आ रहा है। तो मौसम बहरहाल आज का जो है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी नहीं है ना। दो तीन दिनों से काफ़ी गर्मी थी और जो है ना अल्लाह ने हवा चला दी, काफ़ी तेज़ हवा थी। घर तो वैसे भर गया है मिट्टी से, तो सारे पौधे जो है ना वो ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, एक पौधा और दिखाती हूँ। ये मेरा पौधा जो है ना, ये मैंने लगाई थी प्याज, ये मैंने प्याज लगा दी थी यहाँ से, वो जो हरा वाला प्याज होता है ना ये वो लगाई थी। तो ये उसमें से ये इतनी बड़ी निकल के ना तो ये ऊपर तक आ गई है। इसको यहाँ लगा देती हूँ और ये रही, ये नीचे से चली और ये इसका फूल बन गया। इसी तरह एक और, ये रहा। अच्छा जी, मेरा लंच टाइम स्टार्ट हो गया है और गैस भी थोड़ी लेट ही आई है, तो मैं बना रही हूँ आज कीमा करेले। इसमें मैंने करेले जो है ना कट करके सुबह इनको मैंने नमक लगा के तो धूप में रख दिया था। ये तकरीबन दो तीन घंटे धूप में रखे रहे हैं। अब मैंने इनको अच्छे से धोया है पानी के साथ, अच्छे से कई कई दफ़ा मैंने इसकी कड़वाहट निकाल के और फिर मैंने इसको जो है ना अच्छे से पानी के साथ कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लिया है। और अभी ये हो रहे हैं फ्राई। और इस तरफ जो है ना इसमें मैंने बीफ जो है ना वो मैंने बॉईल कर ली है और इस पे एक चूल्हे पे मैंने बीफ रखा है, दूसरे चूल्हे पे मैंने करेले फ्राई होने के लिए रख दिए। तो बीफ मेरा जो है ना वो गल गया है और करेले जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं। उसके अलावा ये प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन, अदरक, अब बाकी मसाले वाला जो काम है ना वो मैं कर रही हूँ और साथ साथ मैं इनको भी देखती जा रही हूँ। सब ने करेले खाए पर ना मुना की चढ़ा चढ़ा के खाएं।
किसी को पसंद आए और किसी को नहीं आए। अब बारी मेरी है, मैं खाने लगी हूँ, ज़रा कैसे बने। मैं चाय भी ले आऊँ, सबने खाना वहाँ खा लिए। चलें जी, इतना मजे के करेले बने और सबने खूब खाए, इतना सा सालन बचा। डोंगा भरा खा गए सारे, ये तो बाद वाले थे। अच्छा जी, ईद के बाद अब मैं पहली दफा जा रही हूँ बाजार। कितने दिन हो गए ईद को बाजार जा रहे, कुछ सामान लेना, कुछ चीजें रहती हैं। मगरिब की अजान होने लगी, रस्ते में कई हम लोग लेट हैं। बाजार नहर बाजार में रश भी का रश तो इतना नहीं, लाइट नहीं है, बगैर लाइट की ऐसा अजीब सा लग रहा है। ये हमने कुछ सामान लिया और बस कोई फेस वॉश कौन सा दे रहे हैं। अभी तो वैसे हैं, ये डॉक्टर जॉन्स का, अब ये यूज करेंगे तो पता चलेगा कितना अच्छा है। बस हो गया। सही है, माया पंसारी की दुकान पे कुछ सामान लेना। हमारा सामान निकाल लिए और बस ये पैक करना। तेल हमने सामान ले लिया है और हम लोगों की घर वापसी है। ये मैंने घर में लिए, देखो कैसे निकलते हैं। हम पीने आ गए गन्ने का रस, मैं जब भूख लगी थी मैंने कहा गन्ने का रस पीना। गन्ने का रस हमने पी लिया और अब हम लोग जा रहे हैं। चले जी, फ्रूट्स जो है ना, अब हम बाजार गए थे तो फ्रूट लाए। फ्रूट जो है ना वो मैंने कट कर ही किया, अंदर से निकाल लिया खाने वाला। और ये स्ट्रॉबेरीज जो है ना, रात के टाइम पर उन्होंने आधी हमें इसी तरह की ख़राब ख़राब दी हैं, तो बाकी जो साफ़ थी ना वो मैंने निकाल लिए। तो मैंने सोचा कि इनको फेंकने से बेहतर है कि मैं अपने पौधों के लिए खाद बना लूँ। तो ये मैंने बाल्टी में पानी लिया और पानी के अंदर मैं ये वाले जो फ्रूट्स हैं ये मैं पानी में डाल दिए और इसे मैं थोड़ा सा हाथ के साथ हल करके तो इसे छोड़ दूंगी कुछ देर। अब मैंने पौधों को पानी देना है, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देखती हूँ। अगर तो मैंने अभी कुछ पौधों को पानी देना है तो फिर मैं ये अभी इसको ड्रेन करके तो मैं पानी दे दूंगी। और अगर मुझे लगा कि चले पानी सुबह भी दिया जा सकता है तो फिर मैं इसे रात भर छोड़ दूंगी और सुबह इसका पानी ड्रेन करके तो फिर पौधों में डालूंगी कुछ इसमें। अच्छा जी, ये पानी मैंने जो है ना वो छान लिया है, शरबत टाइप लग रहा है ना, जैसे शरबत बनाया हो। ये इसके अंदर मैं कुछ और पानी डाल लूँ। ये मैंने सारा जो पानी ना वो मिक्स कर दिया है और अब इसे मैं पौधों में पानी को पौधों को डालती जाऊंगी। सारे पौधों को पानी भी मैंने दे दिया।